हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं आयुष प्रभा ब्लॉग चैनल से निब्बा निब्बी टुरू लव। ओके, ओ मागू टुरू लव कैरे मिनाटी रोस्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओ मेरी दिल रुबा, तू दिल के करीब है। एक मिनट, वो दिल नहीं है पहली बात तो, ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा आजकल के बच्चे खाने में खाते क्या हैं। साले गांड होने की उम्र में गांड मारने की सोच रखते हैं। और मैं आज भी इतना शरीफों की बचपन से सिंगल होने के बाद भी आज भी सबको बहन की नजर से देखता हूँ। वो बात अलग है, मैं गांधी जी की सारी योजना पढ़ता हूँ और गांधी जी की सारी योजना पे अमल भी करता हूँ। अल्ट्रा लेजेंड लोग हंस रहे होंगे और बच्चे अभी तक ये सोच रहे होंगे इसने बोला क्या। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा, बच्चों जाके पोगो देखो और अपनी मूंगफली को संभाल के रखो, कहीं दाने बाहर ना आ जाए। तो मेरे कुछ दोस्तों का कहना है कि तेरी वीडियो देखने के बाद बंदी से बाबू सोना करके बात करने तक भी शर्म आती है। तो मेरा उनसे यही कहना है, बोलना ही क्यों है बाबू सोना। उनके माँ बाप ने इतने प्यार से नाम रखा है भावना और सोनिया, जरूरी है बाबू सोना के नाम पे रंडी रोना करना। चाचा तुम अस्थमा की गोली के बिना भी नहीं रह सकते। चाचा एक पैर कबर में, दूसरा पैर छमिया की गोद में। चाचा शर्म करो, ऊपर वाला भी तुमसे सिर्फ एक दो साल ही बड़ा होगा। चाचा तुम्हारी जवानी देख के लग रहा है तुमने वायरा की गोली नहीं पूरा पत्ता खा लिया। जमाना सही में बदल रहा है, आज पैदा हुआ बच्चा और कबर की ओर जाने वाले बुड्ढे सब अपनी मूंगफली का पूरा पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता मूंगफली में दाना है कि नहीं। मां चोद दिए भैया जी, आप तो आ गए, सब मौज में ही हो गए। और सिंगल लोग तुम तो अभी भी हिला रहे हो गए। वीडियो अच्छे से शुरू करने से पहले एक सूचना, हैंड फ्री को कान में डालो या गांड में, फर्क नहीं पड़ता। बाप सुनेगा तो बाप तुम्हारा तुम्हारी गांड तोड़ेगा। और प्लीज हाथ जोड़ के बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार ये तो वही बात हो गई ना, अगले बंदे की वीडियो बनाते बनाते गांड फट गई और तुम्हें मजा भी नहीं आया। और अगर मजा आ रहा है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और घंटा दबाने से आपको घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो घंटा दबा देना। ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे पास मेघा की कोई तस्वीर नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जहां पर भी मोहब्बत होती है। इसे देख के मैं शंकर भगवान जी से सिर्फ एक ही चीज मांगता हूँ कि अपनी तीसरी आंख खोल के इस भयंकर को भसा भी कर दो। इस वीडियो को देख के एक बात तो पता चल गई, इस दुनिया में प्यार पाने के लिए दिल में प्यार होना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस जेब में पैसा होना चाहिए। यू आर राइट ब्रो, दुनिया झुकती है पर झुकाने वाले के पास पैसा होना चाहिए। You are right, bro. मेरी बात सुनके कुछ ज्ञानी ज्ञान छोड़ेंगे कि लड़कियां पैसे से प्यार नहीं करती, उन्हें अपना फ्यूचर भी देखना पड़ता है। तो मैं उन्हें सिर्फ यही कहना चाहूंगा, तेरी गांड में डंडा दे ना, बस की बंसी ना तोड़े कसरिया, गांड में डंडा दे, तेरी जाना है वो मेरे। चाचा तुम तो कतई ढरकी हो रहे हो यार, कौन कौन सी वीडियो लगा रहे हो, हम हरामी है अश्लील नहीं। पर मेरा खुदा जानता है कि मैंने सिर्फ तुझे प्यार किया। वो फोन तुम्हारे बाप ने दिलवाया था, समझ में आया। वो फोन सरकार तुम्हारी कमाई का तो हो नहीं सकता। अगर वरना गलती कुछ ऐसी होती है, आप यकीन नहीं करोगे कि इस उम्र में मेरे को ये नहीं पता था कि फोन देख के कुछ खड़ा भी होता है। और यहाँ इनका कुछ उगा भी नहीं है और सीधा खुदा से कॉन्टेक्ट हो रखा है। खुदा नहीं, इनकी मासी का लड़का हो गया जिसके पास कोई काम नहीं इनका नंगा नाच देखने के सिवा। तो अब आने वाली है होली, तो इनमें से कुछ लोड़ो इंस्टाग्राम पे लोड़े जैसी हरकतें करते पाएंगे। उम्र इनकी छुटकी से भी कम है, काम इनके जॉनी बाबा से भी बड़े हैं। सिर्फ काम ही बड़े हैं इनके, है इनके पास मूंगफली वो भी बिना दाने वाली। यू आर राइट ब्रो, दीदी वो कहाँ केयर कर पाएगा। आज भी वो रात को सोते वक्त कच्छे में मुंह देता है, आज भी उसे मुताने के लिए एक और गांड फुलाने के लिए दो बंदे चाहिए होते हैं, और शायद आपकी मारने के लिए दो और बाहर से बुला के लाएगा। क्या करना आगे? एक काम कर, बाहर जा, दो आदमी लोग को बुला, एक तेरी लेगा एक मेरी लेगा। किसी ने सही कहा है, जिसके पास दम नहीं होता उसी के पास बम होता है। करण जौहर को ही देख लो, उसके अगल बगल शिकार तो बहुत है, क्या करे, पर उसके पास हथियार ही नहीं है। तुम कहाँ से अपने आप को बॉयज में गिनने लगे करण? ओ माय गॉड, ये क्या डिस्क्रिमिनेशन था यार, ये क्या बदतमीजी थी। ये कुत्ता बिल्ली बनने मतलब क्या ही? पागल है क्या भाई?
ये पूरा पूरा चिड़ियाघर यहीं खोल लिया है। क्या लावड़ा फंस गया मुंह में? ये क्या भौकाल है? इतना सुना था प्यार में बंदा कुत्ता बन जाता है और शायद बंदी कुतिया। ये पहली बार देख रहा हूँ बंदा प्यार में चूतिया बन जाता है। चूतिया तो बन जाता पर इतना बड़ा चूतिया? अगर इसकी ये वीडियो अगर इसके बाप ने देखी होगी ना तो उसने भी अपने घर के कुत्ते को घर से लात मार के बाहर निकाल दिया होगा। अल्ट्रा लेजेंड लोग हंस रहे होंगे और बच्चे भी सोच रहे होंगे मैंने बोला क्या। तो मैं उसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ जाके पोगो देखो और अपनी मूंगफली से खेलो। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दीदी ये गुनाह नहीं तुम्हारी बाप की उम्र का पाप है। क्या प्यार के नाम पे बकचोदी नाबालिग बच्चे और कब्र की ओर जाने वाले बुड्ढे ही पहलेंगे? नाबालिग बच्चे चॉकलेट खाने से ज्यादा चॉकलेट पहन रहे हैं और यहाँ बालिग सिंगल लौंडे डेली के लाखों बच्चे गटर में बहा दे रहे हैं। लड़की के नाम पे एक साइकिल है वो भी चैन उतार के धोखा दे देती है। कभी कभी तो लगता है मेरे से अच्छा तो मेरी गली का कुत्ता है, उसे फर्क नहीं पड़ता किसकी है लुगाई, जहाँ मिले खटिया वहीं करते चढ़ाई। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। उसने मुझे बुरे वक्त मोड़ दिया था और अब उसका कॉल आया, कहता है कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं तो बाहर आ गई। कहता है कहाँ पर? मैंने कहा तेरी औकात से। इसकी ना हाइट बड़ी है बेटा, टॉम एंड जेरी देखते वक्त लाइट चली गई तो उसका पूरा वक्त कैसे? और उसमें उस लड़के की क्या गलती? शायद वो मोमबत्ती लेने गया और तुम्हें पैदा हुए पूरे 12 साल नहीं और तुमने एक लड़के का दिल तोड़ दिया। इतना बुरा उसे तब नहीं लगा होगा जब उसके बाप ने रात को सोते टाइम कच्चे में मूत्र पे मारा होगा जितना तुम्हारी ये वीडियो देख के लगा। मैं तो बाहर आ गई। कहते कहाँ पर? मैंने कहा तेरी औकात से। और मैं औकात का तो क्या बोलूं, तुम दोनों एक ही जैसे। उसे एक चॉकलेट के लिए पापा के आगे एक घंटा रोना पड़ता है, तुम्हें वही चॉकलेट पाने के लिए उसके आगे एक घंटा झुक के हंस के बातें करनी पड़ती है। तुम्हारी ये वीडियो देख के उसका ऐसा हाल हो गया ना उसे नोबिता अच्छा लगे ना डोरेमोन। और बेटा लड़के के बाप का नंबर दियो, उसे कॉल करके बोल दूं कि तेरे बेटे का दिल टूट गया, उसकी गांड मत तोड़ियो। बच्चा मम्मी पापा का बच्चा है? मम्मी पापा का बच्चा? मेरा बच्चा, मेरा। ये मादर चोत का बच्चा है, ऐसा ना मैं कुत्ता ना पालू इसलिए से बच्चा कैसे बना लिया? बहुत सोचना पड़ता है इन्हें कौन कौन सी गाली दूं और जिस हिसाब से इनकी हरकतें हैं ना मन तो करता है इनकी गांड फाड़ दूं और जब तक फाड़ू जब तक ये 12 से 18 के ना हो जाएं। तो आज की बाबा की बकचोदी यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो होगी किसी और टॉपिक पे। बहुत दीपानी बिकी खोल के मार ली और प्लीज 1000 सब्सक्राइबर करवा दो यार, करवा दो यार। जिस जिसने सब्सक्राइब करा उसे मिलेगी पापा की परी और जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं करा उसे मिलेगी पापा की गंड मरी जैसे कि दीपक कलाल। और 1000 सब्सक्राइबर के बाद वीडियो रेगुलर आएगी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ज्यादा अच्छी लगी तो शेयर करना। और एक सूचना है आपके लिए, 18 साल से कम उम्र में चॉकलेट खाना पहनने की मत सोचना। जिस भी ज्ञानी व्यक्ति को लगता है मैं गलत बोलता हूँ तो मैं उसको सिर्फ यही कहना चाहूंगा, तेरी गांड में डंडा दे ना बांस की बंसी ना सोने का सरिया। गांड में डंडा दे। ओके सो भाई क्या ही है, छोटे छोटे बच्चे किस कर रहे हैं, बुड्ढे वो भी फ्लर्ट करने में लगे पड़े हैं, एक बीच वाले जो नॉर्मल लड़के हैं ना भाई बेचारे फंसे पड़े कि हम कहाँ जाएं, है ना। लड़कियों के दिमाग का पता ही नहीं है किधर को जा रहा है, कोई बच्चे के पीछे पड़ी है कोई बुड्ढे के पीछे पड़ी है। अद यार वैसे ये सारा कुछ मजाक था, ठीक है दिल पर मत लेना। और आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, बहुत ही ज़्यादा फनी वीडियो थी। और रिएक्शन अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।